मध्य प्रदेश के सागर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिस कंट्रोल रूम से महज 200 मीटर दूर ट्रिपल मर्डर की खबर है। बताया जा रहा है कि एक घर के भीतर महिला और उसकी दो बेटियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीन के शव बुरी तरह खून से सने हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अफसर आईजी डीआईजी तक मौके पर जा पहुंचे। पुलिस मृतक महिला का पति से पूछताछ कर रही है। ट्रिपल मर्डर की घटना सागर के सिविल लाइन थाना इलाके के नेपाल पैलेस के एक मकान की है। यहां मां और दो बेटियों के खून से लथपथ शव मिले हैं। तीनों की खौफनाक तरीके से हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। शवों का पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल भेजा गया। एफएसएल की टीम वारदात स्थल पर साक्ष्य जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम से करीब 200 मीटर दूर ही नेपाल पैलेस है। यहां के एक मकान में मंगलवार की रात मां और दो बेटियों के शव मिले हैं। मकान के किराएदार ने घर में शव देखे तो वह कंट्रोल रूम पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। वारदात की सूचना मिलते ही आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सुनील जैन, प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव उई के समेत शहर के थानों की पुलिस पहुंच गई। घटना वाले मकान के किचन में मां और बड़ी बेटी का शव मिला है तो वहीं बेडरूम में छोटी बेटी का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। जांच के दौरान मृतकों की पहचान वंदना पति विशेष पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी नेपाल पैलेस, बड़ी बेटी अवंतिका पटेल उम्र 8 साल और छोटी बेटी अनाविका पटेल उम्र 3 साल के रूप में हुई है। हत्याकांड के पीछे के कारण और वारदात को अंजाम देने वाले के संबंध में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। रात करीब 2:30 बजे तक पुलिस अधिकारी मौके पर जांच करते रहे। बताया जाता है कि नुकीली वस्तु से गोद कर हत्या की गई है। मृतका वंदना पटेल के भाई चिराग पटेल ने बताया कि बहन और बड़ी भांजी का शव किचन में पड़ा मिला है, जिनके सिर पर पेचकस जैसी किसी नुकीली वस्तु से वार कर हत्या की गई है। वही छोटी भांजी अनाविका का शव कमरे में मिला है, उसको जमीन पर पटक कर मारने की बात सामने आ रही है। हत्या किसने की कोई पता नहीं है। वारदात के समय पति जिला अस्पताल में था। मृतका वंदना का पति विशेष पटेल जिला अस्पताल सागर में स्थित दवा वितरण केंद्र में काम करता है। उसका कहना है कि वारदात के समय वह जिला अस्पताल में ही मौजूद था। इसके अलावा मृतका की सास भी साथ में रहती है, लेकिन वह इलाज कराने के लिए भोपाल गई है। देवर प्रवेश पटेल दमोह में पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि परिवार मकान के ग्राउंड फ्लोर में रहता था, बाकी ऊपर के दो फ्लोर पर किराएदार रहते हैं। मामले में पुलिस हत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-27-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।